ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਦੀ 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 ਸੇਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਸੋਫਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ एक्चुअली मैं वो DIY ट्री बना रही हूँ तो वो बेचारे ऐसे पड़े हैं पर बहुत मैसो ये वाला जो हमारा सोफ़ा है ये काफ़ी क्यूट है काफ़ी क्लीन है ये बचा हुआ है ये कवर की वजह से सो ये जाएगा उस तरफ क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है और ये थोड़ा बड़ा है एंड लेदर है क्योंकि आप अगर एलिवेटेड लुक चाहते हैं ना तो आपको टेक्स्चर मिक्स करने चाहिए सो ये वेलवेट किस्म का है और ये हो गया लेदर का एंड इसका कलर बहुत प्यारा है ब्राउन ये हमने खरीदा है डैडी एशले तो ना एशली सो दिस इज फ्रॉम एशली दिस इज अमेजिंग एक्चुअली आई लाइक इट सो इसके लिए हमने यहाँ पे जगह बनाई है लेट्स सी कैसा लगता है ओके सो दिस इज हाउ द सोफा इज लुकिंग लाइक एंड वन मोर सोफा सो लुक लाइक अ बस आई हैव बीन प्रेइंग फॉर समथिंग टू बिलीव इन अदर देन मी बैक सिंस 2013 ऑलराइट दोस्तों आज हम गए थे वीज़ा ऑफिस वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंडिया के लिए और अब आते समय हम लेके आए हैं इंडियन ग्रॉसरी से खूब सारी सब्ज़ियाँ मैं लेके आई हूँ भिंडी अरबी मूली साग हरा कद्दू तो ना खूबसूरत है ना मुझे हरा कद्दू बहुत अच्छा लगता है जब आप खट्टा खट्टा बनाओ ना लुक एट दिस सो क्यूट राइट सो हरा कद्दू लेके आई हूँ भिंडी लेके आई हूँ अरबी लेके आई हूँ एंड साग एंड होर पालक वगैरह वगैरह सो आज वैसे हमें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर पे चिकन बिरयानी पड़ी है पर बिकेज़ कल मैं साग बनाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि भिंडी बेचारी काफ़ी समय तक वेट करे मेरी फ्रिज में क्योंकि जब मैं सब्ज़ियाँ लेके आती हूँ ना मेरी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि पता नहीं वहाँ पर कितनी देर पड़ी रही है अब यहाँ पर कितनी देर पड़ी रहेंगी सो अच्छा है जल्दी कुक करें सो क्विकली भिंडी को तड़का लगाते हैं इसको मैंने ड्राई कर लिया है अनियन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है तो बहुत स्पीड पकड़नी पड़ेगी अब हम सो स्पीड पकड़ने से पहले टमाटर को काट लेते हैं जीरा पांदा चेता भूल गया मैंने नोटिस किया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ इसका रीज़न मुझे तो लगता है कि मसालों से ज़्यादा खाना स्वादिष्ट बनता है प्याज से है ना क्योंकि मैं मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ मेरे खाने में मैं ज़्यादातर सिर्फ धनिया पाउडर जीरा पाउडर ऐड करती हूँ ये दो गर्म मसाला मैंने मेरे घर में है ही नहीं गर्म मसाला पर कोई कोई चीज़ें हैं जिसके लिए मैं कोई मसाला यूज़ कर सकती हूँ पर यूजली सारे फूड के लिए मैं सिर्फ धनिया पाउडर जीरा पाउडर नमक हल्दी एंड काली मिर्च दैट्स इट कोई गर्म मसाला नहीं आता मेरे फूड में पर ये सब मेरे प्यार का कमाल है कि इतना मज़ेदार खाना बनाती हूँ अगर आप सोचेंगे कि ओ हमें क्या पता तुम अच्छा खाना बनाती हो बेबी तुम बकवास बनाती हो तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा लजीज़ खाना बनाती हूँ लजीज़ का भी ना नेक्स्ट लेवल है इसीलिए मेरे हस्बैंड को किसी भी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं ही इतना खूबसूरत खाना बनाती हूँ मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सीरियस हूँ अभी मेरे पति यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जब आएँगे तो हमसे पूछवा दूँगी गाइस मेरा बर्थडे आ रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बुड्ढे होने के लिए देखो मेरी जो लूनदानी है उसमें क्या है जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च हल्दी सॉल्ट और काली मिर्च मुक गई मैं ना गल्ला करने के चक्कर में पड़ गई और मैंने भिंडी को अपने काटा नहीं अभी तो बहुत काम है वो भी सलाद में आपसे मैं बातचीत बाद में करती हूँ पहले
है, मुझे लग रहा था कि भिंडी कम है, पर अब ये पैन तो मसाले से ही पड़ गया, मतलब पैन चेंज करना पड़ गया मुझे, इसको कुक करने देते हैं। भिंडी को मैंने तड़का लगा दिया, उसे थोड़ा समय लगेगा, तब तक मैं आपको हॉल करके बता दूँगी मैं सब्जियां कौन सी लेके आई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम लेके आए हैं अम्ब। अम्ब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से, एक अम्ब मिसिंग है क्योंकि वो मेरे पेट में है, आधा आधा मैंने और मेरे पति ने खा लिया है, तो ओके ठंडा करके अब इसको मैं धो के फ्रिज में रखूँगी, ऐसे नहीं ताकि फिर मैं जब भी निकालूँ खा पाऊँ। सो बाथू है मेरे पास, ये मैंने दुकान से नहीं लेके आई हूँ, हमारे बाहर लगा हुआ था का के पास, आपको पता है हमेशा बाथू लबन से मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ढूंढ के ले आई हूँ। और मैं दो गुच्छियाँ लेके आई हूँ क्योंकि मैं कल साग बनाने वाली हूँ और मेरे प्यारे पति को खुश करने वाली हूँ। और इस बार हम बनाएंगे ये वाला साग जो कि है देसी साग, मैंने कभी बनाया नहीं है, वहाँ पे एक आंटी खरीद रही थी, उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है रपीनी लीव से, क्योंकि जब भी मैं रपीनी बनाती हूँ हमेशा बहुत अच्छा बनता है, मैंने सोचा क्यों ना अब इसको भी ट्राई करें। सो ये लेके आई हूँ मैं मेरे लिए, पति के लिए, एक्चुअली पति इज़ अ बिग साग फैन, नॉट मी। पति को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं है, पर मेरा लॉजिक है कि जब मैं कुछ कुक करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कुक किया होगा, बहुत प्यार से किया होगा, तो फिर मैं खा लेती हूँ, फिर मुझे मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, मैं जितनी मर्जी बेकार सब्जी दे दो अगर मैंने कुक की हो। फूलियाँ लेके आई हूँ क्योंकि परांठे खिलाऊंगी, पति को चिट्टा मक्खन तो बन ही रहा है, तो अगले दिन परांठे खिला देंगे ताकि पति और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ओके सो मेरी खुशी के लिए मैं लेके आई हूँ हरा कद्दू। ये जो हरा कद्दू है ना ये मुझे बहुत डिलीशियस लगता है क्योंकि इसको आप छिलके के साथ बना सकते हैं। आई नो ये बहुत ही बोरिंग किस्म की सब्ज़ी है, पर मैनू पता नहीं था फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है इसको ना, मेथे डाल के फिर उसके बाद खटाई डाल के, खूब सारे टमाटर प्याज एंड बहुत मज़ेदार बनता है। आपने अगर नहीं खाया तो ट्राई करना, और अगर आपने खाया है तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताना। गोभी तो ऑल द टाइम चाहिए ही चाहिए, इसके परांठे बन सकते हैं, इसकी मंचूरियन बना सकते हैं, गोभी मंचूरियन, गोभी 65 बन सकता है, या फिर गोभी के परांठे बन सकते हैं, आलू गोभी बन सकता है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हम इसके साथ बना सकते हैं, गोभी के पकौड़े बना सकते हैं, मुझे गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बंद गोभी भी वंस इन अ वाइल किसी दाल के साथ अच्छी लगती है, क्रंची है, या फिर मैं इसे ज़्यादातर सैलड में यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे सैलड्स को, उसमें जब भी मैं इसको बहुत ही बारीक काट के डालती हूँ ना तो मुझे सैलड की शक्ल ही बहुत अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है और बहुत मज़ा आता है सैलड खाने। तो ये सब्जियाँ होगी, और मैंने खूब सारी हरी मिर्चें भी ली हैं क्योंकि हरी मिर्चें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और हम थोड़ा स्पाइसी फूड खाते हैं। उसके बाद मेरे पास है जुकीनी, और जुकीनी मैं एक्चुअली इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं जुकीनी यूज़ करती हूँ, बाकी कोई सब्ज़ी मुझे मिली नहीं है, वो मैं लोकल किसी स्टोर से लेके आऊँगी। एंड देन मैं अरबी भी लेके आई हूँ, आई होप आपको देख पा रहे होंगे, बहुत ही जायंट जायंट पीसेज है, पर अरबी मुझे बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, ब्यूटीफुल अरबी। अरबी को मैं फ्राई करके जवाइन के साथ खट्टी मिट्टी बनाती हूँ, मिट्टी निकली खट्टी। और मैं लेके आई हूँ खूब सारे टमाटर, टमाटर के बिना मेरा गुजारा नहीं होता, जब मेरी किचन में टमाटर नहीं ना होते तो मुझे लगता है कि मेरी किचन बर्बाद होगी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो ये है मेरी सब्जी हॉल, और पिंडी मैंने बना ली, ऐसे होता है गुणकारी बंदा कि सब्जी को सब्जी खरीदना ही एक कला नहीं है, सब्जी को टकाने टकाने लगाना भी कला है, क्योंकि हम खरीद तो लेते हैं बाद में यूज़ नहीं करते, तो मेरा लॉजिक होता है कि खरीदो क्लीन करके रखो फिर धीरे धीरे बनाते रहो। ओके हस्बैंड, अब मैं बढ़िया फूड कुक कर दिया, बंदी कमाल बनाती है, देखो तन पाग लगे हुए हैं, साग बन रहा है, साग कहंदे देसी साग है ये। गाइस टुडे आई एम गोना ईट सोया स्टिक्स, इज इट क्लीन? Guys, this tastes so good. Let me try. What's that? What is it? Soya sticks. Hey, my house biryani. Good. Guys, chicken biryani.
पिंडी, वैसे पिंडी के साथ पत्ती ना परौंठी खाते हो, पर अज रात तो मैं फुलका मिलना जो मिल जाए अलख निरंजन करके चख लेते हैं हम तो। झूठ ना मारो, पहली बार फुलका खाने वो टेस्ट करके दसो पिंडी का। It's going to be my first time trying a different chicken place. So this chicken place is, we don't know, but we always try. दोस्तों पहले मुझे भिंडी के साथ प्यार नहीं था, जब से इस लड़की ने भिंडी बनानी स्टार्ट की है ना। नहीं प्यार था ना सच्ची। खाली बंद बंद रहने हम तो ये मटवाले के फेक रिव्यू ना दे। मम्मा इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड आई लाइक इट चिकन बर्गर। ला 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 गाइस आई एम गोना ट्राई एवोकाडो फॉर माय फर्स्ट टाइम। क्यूकंबर है, क्यूकंबर एवोकाडो फॉर माय फर्स्ट टाइम। दैट्स एक्चुअली गुड। दोनों जाने के इधर ड्रामे हैं तू ही मैं है। Guess what guys, my mom forgot the outboard again. So don't worry, I'm here. So I hope you enjoyed the video. Smash that like button, even the subscribe button. And something cool will happen. The subscribe button will turn gray. You're beautiful the way you are. If you want to do anything, just think about it, then take action. Easy peasy lemon squeezy.